मध्य प्रदेश में यूं तो कई राजनेता किसान हित की बात करते हैं, लेकिन किसानों के सामने आने वाली परेशानियों पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और अब किसानों को रबी क्रॉप के लिए बुआई करनी है, लेकिन किसानों के लिए बुआई के पहले खाद पाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इंदौर में भी खाद पाने के लिए किसान परेशान दिखाई दिए। परेशान किसानों ने हमारे सहयोगी अदनान से खास बातचीत की। किसानों ने क्या कुछ बताया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। किसानों का कहना है कि इंदौर जिले में कुल 9 केंद्रों से खाद वितरित किया जाता है, लेकिन फिलहाल लक्ष्मीबाई अनाज मंडी के सेंटर से ही खाद वितरित किया जा रहा है। लेकिन यहां पर भी सिर्फ 30 किसानों को खाद दिया जा रहा था। किसानों का कहना है कि वो देपालपुर, बेटमा, सावेर जैसे दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन यहां पर केवल 30 लोगों को खाद दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें रोज सेंटर के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। जितना किसान है सबके टोकन दे दो ये गाड़ी से। टोकन काम का नहीं देंगे, 6 बजे जग थोड़ी मरे ही लाए गई। कितो माल है, माल कितो है? पहले मेरी बात सुनो, माल कितो है? मेरी बात सुनो आप। नाराज किसानों ने आज यहां हंगामा कर दिया, जिसके बाद टोकन व्यवस्था के माध्यम से करीब 80 किसानों को खाद दिया गया। यहाँ पे सर खाद की समस्या ज्यादा हो रही है सोसाइटी में, ना तो NPK ना DAP, कौन सी सोसाइटी में गाँव वाली में भी अवेलेबल नहीं हो रहा। जो डिफॉल्ट किसान है कोई नगद में लेना चाह रहे उनको भी अवेलेबल नहीं हो रहा। जिसके बाद इंदौर लक्ष्मी नगर मेन ब्रांच है सोसाइटी की, इसमें आए तो यहाँ पे टोकन दिए इन्होंने 30 जने के, और किसान सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे यहाँ पे किसान आ गए थे, जिनको कोई खाद नहीं मिला है और उनको बोल दिया कि आप 30 जने को खाद अवेलेबल होगा। अब जिस किसान जाए कहाँ, 100 किसान खड़े, बाकी किसान कब डाले खाद में। हम सुबह से खड़े और यहाँ पर 12 बज गए, अभी तक खाद वितरण की स्टार्टिंग नहीं हुई है, और बोलते तो बोले अधिकारी 12 बजे आएगा, 1 बजे आएगा, और इनने सभी सोसाइटियों में नगद से खाद देना बंद कर दिया। खाली यहाँ सब किसान उनको बुला रहा, अब यहाँ कहाँ से आएंगे? कोई देपालपुर से 6 बजे से आके वो कब यह जाएगा, कोई अता पता नहीं। और व्यापारी के 1800 में प्राइवेट में सभी जगह मिल रही है खाद, खाली हमको टाइट में मिल रहा है 300 रुपये ज्यादा में हर जगह, वहाँ कैसे खाद पहुँच रही है? यहाँ हमको हम यहाँ सुबह से लाइन में खड़े, हमको खाद नहीं मिल रही है, और प्राइवेट जगह हर जगह खाद है, तो वहाँ कहाँ से जा रही है खाद? किसानों को आरोप है कि सोसाइटी के सेंटरों पर खाद नहीं मिल रहा, लेकिन प्राइवेट सेंटर पर खाद मिल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की संलिप्तता है। इसमें जो है अधिकारियों की कोई संलिप्तता दिख रही है सर? हमको उधर से कोई दिलासा नहीं है, सब मिली भगत है सर। ये प्राइवेट में खाद जा कैसे रिया? चले जाओ, वहाँ पर पूरे गोडाउन भरे राउ में, और ये सबसे बड़ी समस्या वही है कि सोसाइटी में खाद नहीं है किसान के लिए, और ब्लैक में खाद मिल रही है 1500 की बोरी, 1800, 1850, 300 का, और ये 400 मिल रहे, तो समस्या है कि वहाँ कैसे पहुँच रहे है। लक्ष्मीबाई अनाज मंडी के खाद वितरण केंद्र के प्रभारी का कहना है कि जिस तरह यहाँ पर खाद उपलब्ध है, उसी तरह सभी सेंटरों पर खाद उपलब्ध है। प्रभारी से जब सवाल किया गया कि किसानों का आरोप है कि वो खाद उपलब्ध नहीं है इसीलिए यहाँ आ रहे हैं, तो उनका कहना था कि किसान गलत है। किसानों का कहना है कि 30 टोकन ही दिए गए हैं, और जो है सिर्फ जिले के 30 लोगों को ही रोज खाद दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास जैसा खाद उपलब्ध होगा उसी हिसाब से टोकन दिए जाते। दूसरा किसान आरोप लगा रहे हैं कि तहसील के जो नो दूसरी जगह पर जो सेंटर है वहाँ पर भी जो है खाद मिल नहीं रहा। हर सेंटर पे खाद जाता है, जितनी सेंटर पे हमको मिलता उतनी उसी सेंटर को खाद मिलता, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अभी हमने 80 टोकन बांटे, कितने सारे किसानों को टोकन दिए। हमारा किसान भाइयों से यही निवेदन है कि भाई उस वहाँ भी सेंटर है, आप गौतमपुरा में सेंटर है, बेटमा में सेंटर है, सामिर में सेंटर है, मऊ में सेंटर है, हर जगह सेंटर है, सब दूर पे खाद उपलब्ध है, तो ऐसा है कि आप उस क्षेत्र के आप वहाँ जाइए, आपको मिलेगा खाद। लेकिन किसानों का कहना है कि वहाँ खाद नहीं है इसलिए वो गलत बोलते हैं। किस हमने आपको बोल दिया खाद नहीं है तो आप मान लोगे क्या? दूसरा आरोप जा रहा है जो 1500 रुपये की बोरी मिलती खाद की वो 1800-1900 रुपये की मिल रही है। जे प्राइवेट का काम है, अपना नहीं। हमारे यहाँ जो रेट लिस्ट लगी, किसान किसी से हमने लिया क्या कोई किस रेट में? प्राइवेट से हम नहीं कह सकते, वो कितना ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हमें उससे क्या तात्पर्य। अब सवाल यही खड़ा होता है कि यदि किसी प्रधान देश में किसानों की दशा ऐसी होगी तो फिर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना कैसे साकार होगा। कैमरा पर्सन जावेद खान के साथ 91 न्यूज 9 के लिए इंदौर से अदनान अली की रिपोर्ट।